वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो सबसे बड़ी खबर निकल के लोक सेवा आयोग की ओर से आ रही है कि 700 से ज़्यादा पदों पर बहुत जल्दी विज्ञापन आने वाला है, और जो सबसे पहले विज्ञापन आएगा, जी हाँ, बंदी रक्षक के 213 पदों पर भर्ती के लिए सोमवार को जारी हो सकती है विज्ञप्ति। यानी कि बहुत जल्दी आपको बंदी रक्षक के 213 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, यानी कि सोमवार को। उसके अलावा कनिष्ठ सहायक के 519 पदों पर भर्ती की जो विज्ञापन है वो 25 नवंबर को जारी होगा। तो उसके अलावा 463 पदों के लिए भी भर्ती जारी होगी। तो पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। बाकी आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। तो फ्रेंड, जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि लोक सेवा आयोग 732 पदों पर भर्ती निकालेगा। जी हाँ, लोक सेवा आयोग नवंबर में विभिन्न विभागों के लिए 732 पदों पर जो है विज्ञापन निकालने जा रहा है। इसके तहत जो सबसे पहले विज्ञापन आएगा वो 213 पदों पर जो है सोमवार को विज्ञप्ति जारी हो सकती है माने बंदी रक्षक की। उसके अलावा 519 पदों पर कनिष्ठ सहायक के लिए 25 नवंबर को विज्ञापन जारी होगा। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भर्तियां थी वो लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर दी गई थी, लेकिन अभी बीच में खबर आ रही थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 12 विज्ञापन के जो अध्याचन हैं वो वापस लौटा दिए गए हैं। उनमें से जो है कनिष्ठ सहायक के 519 पदों वाला भी जो है विज्ञापन है। तो क्या वाकई में वो विज्ञापन जो अध्याचन में कमियां होने के कारण वापस लौटा दिया गया था, उनको सुधार लिया गया है, वो तो अब 25 नवंबर को मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल ये कन्फर्मेशन है कि सोमवार को जो है आपको 213 पोस्टेस के लिए, यानी कि आपको जो है बंदी रक्षक का विज्ञापन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेपर लीक के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भर्तियाँ थीं लोक सेवा आयोग से जारी होंगी, और उसके अलावा यहाँ पर जो कैलेंडर था वो भी यहाँ पर जो है जारी कर दिया गया था। लेकिन अभी जो दूसरी जो बड़ी खबर एक और आ रही है वो यह आ रही है कि 463 पदों पर भी जो है जनवरी में विज्ञापन जारी होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि लोक सेवा आयोग ने साफ साफ कह दिया था कि दिसंबर माह में कोई भी विज्ञापन नहीं जारी होगा, क्योंकि दिसंबर माह में 18 तारीख को जो कि 1523 पदों के लिए और करीब 1.5 लाख कैंडिडेट्स का जो है यहाँ पर रिटर्न एग्जाम है पुलिस कांस्टेबल का। लेकिन कैलेंडर के मुताबिक आपको जनवरी में, जी हाँ जनवरी में, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 4, उसके अलावा चारा सहायक समेत जो है अन्य 463 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जनवरी के मंथ में आपको एक और विज्ञापन लोक सेवा आयोग की ओर से देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम बंदी रक्षक की बात करें तो बंदी रक्षक में काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट ये रहते हैं कि पहले फिजिकल होगा या फिर रिटर्न होगा। जैसे आपने देखा होगा लेखपाल की, लेखपाल और पटवारी में पहले रिटर्न होने वाला है, बाद में जो है आपका जो है फिजिकल होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, माना जा रहा है कि सोमवार को भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। इसकी लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षण के बाद ही होगी, जबकि कनिष्ठ सहायक की परीक्षा 5 मार्च को प्रस्तावित है। यानी कि जो कनिष्ठ सहायक है उसकी जो परीक्षा है 5 मार्च को है, लेकिन बंदी रक्षक की जो है अभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। लेकिन जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि इसकी लिखित परीक्षा शारीरिक परीक्षण के बाद होगी। यानी कि आप देख सकते हैं, शारीरिक परीक्षण के बाद होगी, यानी कि रिटर्न, यानी कि पहले जो है बंदी रक्षक का आपको फिजिकल देखने को मिलेगा। तो गाइस, दे रही आज की अपडेट, जहां पर 3 नए विज्ञापन आपको बहुत जल्द दिखाई देंगे। 2 तो आपको इसी मंथ मिल जाएंगे और 1 तो आपको सोमवार को आएगा। उसके अलावा 1 25 नवंबर को जारी होगा। उसके अलावा
463 पदों के लिए सोमा यानी कि जनवरी 2023 में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।